नमस्कार दोस्तों, आउटसोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट सुधीर। तो चलिए आज आपको एक नए सफर पर ले चलते हैं। आज दोस्तों आज हम आपको कानपुर से शिमला ले चल रहे हैं, जो कि ट्रेन द्वारा सफ़र होने वाला है। तो कंटिन्यू मेरे साथ सफ़र बने रहिए। तो दोस्तों चलिए सफ़र का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं कानपुर स्टेशन आया और कानपुर स्टेशन से मैंने नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी, और जो कि इसका टाइम था दोपहर के 2 बजे। और इसका स्लीपर का किराया 370 रुपये और थर्ड एसी करीब 1,050 रुपये। इसके द्वारा हम पुरानी दिल्ली होते हुए करीब सुबह 4 बजे कालका रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। अब धीरे धीरे कालका पहुंचने वाले हैं, क्योंकि सुबह हो गई है और हम लोग उठ गए हैं, और अब हम आपको बहुत जल्दी कालका रेलवे स्टेशन पर फिर से ज्वाइन करेंगे। फाइनली दोस्तों हम लोग कालका रेलवे स्टेशन आ गए हैं। यहाँ उतरते ही दोस्तों हम लोग टॉय ट्रेन के टिकट लेने के लिए आगे बढ़ लिए, क्योंकि ट्रेन जो है ना भीड़ बहुत होती है इसमें, तो सुबह के हमें 6 बजे की ट्रेन से चलना है, तो टिकट हमने बुक नहीं कराई थी तो हमें पहले से लेनी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 से ये टॉय ट्रेन जाती है, जो कि शिमला करीब 5.5-6 घंटे लेती है, और इसका साधारण किराया 50 रुपये, और आप अगर रिजर्वेशन कराते हैं तो करीब 130 रुपये का रिजर्वेशन चार्ज है इसका। रास्ते का आनंद लेते हुए हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और शिमला की टॉय ट्रेन बहुत ही खूबसूरत होती है और इसका सफ़र बहुत ही खूबसूरत होता है। तो आप जब भी आएँ तो इस ट्रेन का आनंद ज़रूर लें और इसमें सफ़र ज़रूर करें। देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, ट्रेन कैसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए पहाड़ों पर पहुंच रही है। और जब हम लोग कालका से चले थे तब बहुत गर्मी थी, लेकिन थोड़ी दूर 1-1.5 घंटे चलने के बाद रास्ते से ही इतनी ठंडक स्टार्ट हो गई कि हम विश्वास नहीं, मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतनी ठंडक यहाँ अभी रास्ते ही से ही मिल जाएगी। बस कुछ ही देर में हम लोग शिमला पहुंचने वाले हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग शिमला रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, कानपुर से शिमला की दूरी करीब 420 किलोमीटर है, और बाय रोड आप अगर आते हैं तो इसमें 1,370 रुपये का टोल भी लगेगा आपको। इसके बाद अगर आप लखनऊ से शिमला आते हैं तो बाय रोड आपको करीब 880 किलोमीटर पड़ेगा, और यहाँ पड़ने वाला टोल टैक्स जो है करीब 1,565 रुपये का होगा। और दोस्तों आप अगर दिल्ली से शिमला जाना चाहते हैं तो बाय रोड ये आपको 361 किलोमीटर पड़ेगा, और चंडीगढ़ से बाय रोड आपको ये करीब 113 किलोमीटर पड़ने वाला है, जिसमें आपको 105 रुपये का टोल भी देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर कालका रेलवे स्टेशन से आप बाय रोड आना चाहते हैं तो 87 किलोमीटर पड़ने वाला है, और कालका से बाहर ही उतरते ही आपको टैक्सी वगैरह, शेयरिंग टैक्सी वगैरह सब मिल जाएगी, जो आपको आराम से पहुंचा देगी शिमला। अब दोस्तों हम लोग शिमला से निकल रहे हैं चहल के लिए, चूँकि यहाँ से करीब ये 45 किलोमीटर है, तो हम लोग को करीब 2 घंटे लगने वाला है, और हम लोगों ने वहीं पे अपना रिसॉर्ट बुक कर रखा है। तो हम फिर कल आपको सुबह उठ कर ज्वाइन करेंगे, आगे आपको शिमला घुमाएँगे, चहल घुमाएँगे, पहले चहल घुमाएँगे और फिर उसके बाद शिमला चलेंगे, शिमला का पूरा आपको टूर विज़िट कराएँगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए अब आपको हम रिसॉर्ट घुमाते हैं और थोड़ा सा यहाँ का व्यूज़ वगैरह दिखाते हैं। ये गेट है हमारे रिसॉर्ट का। ऐसे एक छोटा सा रिसॉर्ट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरीके के रूम्स हैं और कैसी सुविधाएं हैं। बाकी अभी मॉर्निंग में ही हम लोग बिल्कुल आए हुए, इधर सामने आप लोग देख रहे हैं, इधर पूरा मैं दिखाऊँगा आपको पूरा, इधर लंच वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह की पूरी व्यवस्था रूम है। इधर ये देखिए छोटे छोटे हट बने हुए, इसमें स्टे करने के लिए अच्छी। ये देखिए कैंप बने हुए पीछे, देवदार के बड़े बड़े वृक्ष हैं, और बैक साइड में पहाड़ है, और इधर भी पहाड़ है। ये देखिए कैंप में भी आपको दिखाता हूँ। मॉर्निंग के 7:46 हो रहे हैं,
मैं आपको कैंप के अंदर रहता हूँ। देखिए बहुत प्यारा एक रेड टाइप का फ्लावर है, आपको भी चलते हैं अपने कैंप के अंदर। कैंप खोला मैंने और कैंप है, कैंप के अंदर एक लाइट लगी हुई है, सोने की व्यवस्था है कुछ, इधर से कैंप में ही ये लगा हुआ है, बाथरूम अटैच है, पूरा लकड़ी का ये बना हुआ है और ऊपर टीन का शेड बना हुआ है। इधर एक अलमारी दे रखी है, कैंप से बाहर चलते हैं। बाहर का नज़ारा आप देख रहे हैं, ऊपर देखिए पहाड़ों पर अभी धूप बिल्कुल लगी हुई है, पड़ी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है। गाइस ये शिमला से थोड़ी ही दूर पर है और बहुत प्यारी जगह है, आप आए जब भी यहाँ पर, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फ़ोन नंबर वगैरह भी दे दूंगा, जिससे आपको आने में यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। लाल रात में थोड़ी दिक्कत हुई थी हम लोगों को। लुक है और बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ बर्फबारी तो नहीं हुई है अभी उतनी, लेकिन हाँ स्नो बहुत ही है और बिल्कुल जो घास वगैरह थी इस तरफ जो शेड में नहीं है, पूरी वाइट वाइट। ये लोग देख रहे हैं, ये हम लोग उधर से आए हैं और नीचे पूरा बिल्कुल डंप टाइप का बिल्कुल खाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना तगड़ा है, उधर सर मेरे पूरी फिटिंग करते हुए और सर मेरे बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल के लिए, सो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको व्यूज वगैरह दिखाते हैं। इधर देखिए कितनी दम पर बिल्कुल खाई है और इस तरफ पहाड़ और इसके बैक साइड में हमारा रिसॉर्ट है, नाम स्टे किया है। लोग बहुत ही प्यारे हैं, और छैल जो है बहुत ही खूबसूरत एरिया है, यहाँ पर छोटे छोटे गांव हैं, आप किसी भी होटल या किसी भी रिसॉर्ट में रुककर यहाँ पर जो छोटे छोटे गांव हैं और यहीं विजिट करें। ये देख रहे हैं ये इधर से बिल्कुल नीचे का वो है और इधर ये कितना अमेजिंग लुक है। अब इधर से ऊपर चलते हुए और आपको हम पूरा व्यू दिखाते हैं, देख रहे हैं कितना प्यारा लुक है, अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत व्यूज हैं।
गाइस फाइनली हम लोग का मॉर्निंग का शूट हो गया है। अब हम लोग का ब्रेकफास्ट चल रहा है। ब्रेकफास्ट में आलू पराठे हैं, अचार, दही, शक्कर और सबसे बढ़िया चीज़ है जो है चाय गर्मा गर्म। मॉर्निंग में हम लोग ली थी, अब इस समय ब्रेकफास्ट में ली। गाइस अब यहाँ से तैयारी हो गई है, अब यहाँ से शिमला के लिए निकलना है हम लोगों को। तो वहाँ तक जाएंगे, देखना ऊपर वो पहाड़ और उधर जिगजैग टाइप का बना हुआ है, तो यहाँ से हम लोगों को समा जाना है। और शिवा भैया गाड़ी लेकर निकल लिए, जा रहे हैं, गाड़ी जा रही है धीमे धीमे। देखिए कितना प्यारा व्यू है। और बस हम लोग अब चढ़ाई करते हुए और दोनों लोग चल रहे हैं ऊपर की ओर। देख रहे हैं इधर सर जी साथ में है, गाड़ी ऊपर वेट कर रही है हम लोगों का। देखिए रास्ता कैसा है, इसी रास्ते से रात में आए थे हम लोग।
हमारे लिए शिमला के माल लोड पर हैं। दोस्तों ये स्कैंडल पॉइंट है शिमला का। कहा जाता है पटियाला के राजा ने और यहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी बेटी को यहीं से ही उन दोनों में लव हुआ, प्यार हुआ और आकर वो यहीं से इसी जगह से लेकर गए थे। तब से इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट हो गया। वूलन कपड़ों की मार्केट है यहाँ पर, आप इच्छा अनुसार कपड़े भी ले सकते हैं। ये शिमला का फेमस चर्च है जो कि पूरे इंडिया में फेमस है और इंडिया का सबसे पुराना चर्च है। ये हनुमान जी का जाखू टेंपल है जो कि वो ऊपर हिल पर दिख रहा है। हनुमान जी इतने ऊंचे हाइट के हनुमान जी बने हुए हैं। तो शिमला आने के लिए आप टॉय ट्रेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉय ट्रेन आपको कालका रेलवे स्टेशन से मिलेगी और ये बहुत ही मनमोहक जगह से और पहाड़ों से जंगलों से लेते हुए आएगी आपको। आप ये समझ लीजिए कि टॉय ट्रेन पे आपने सफ़र नहीं किया तो शिमला में कुछ भी नहीं घूमा। एक्चुअली मैं आधा शिमला और शिमला कालका से शिमला तक के जो स्टेशन पड़ते हैं ये बहुत ही मनमोहक हैं, तो इस पे आप ज़रूर घूमें और यहाँ पर आएँ एक बार मेरे कहने पर। टॉय ट्रेन में थोड़े एक दो स्टेशन के पे ही जाएँ लेकिन बैठें ज़रूर टॉय ट्रेन पर। दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको आगे शेयर करिए और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए और लोगों तक बढ़ाइए, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और जल्दी मैं नया वीडियो आपको लेकर आता हूँ।